नमस्कार, आज हमारे साथ यहाँ पर कल्पना कुमारी जी हैं, नीट के 2018 की टॉपर, मूलतः बिहार की रहने वाली हैं कल्पना। और कल्पना ने 99.9% से नीट में टॉप किया है। इसके बाद इनके पास अगर वो 200 भी होता तो शायद ये उसमें भी आगे चली जाती। तो कल्पना, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से बिहार से आप एक छोटे से शहर से हैं, वहाँ के शिवहर कस्बे से, तो आपके कस्बे में किस तरह की फैसिलिटी, जैसे आपने पढ़ाई किया तो वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत बड़े अस्पताल नहीं हैं, आप किस तरह की फैसिलिटी में पढ़ी हैं वहाँ पर? मतलब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की स्टूडेंट, मतलब स्टार्टिंग में तो 3 to 6 में केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी, उसके बाद 6 to 10 जवाहर नवोदय विद्यालय, जो रेजिडेंशियल हॉस्टल है, स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने वहीं पे एक कॉलेज में एडमिशन लिया बिहार बोर्ड के, मतलब वो बहुत फैसिलिटी तो नहीं है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, बट दैट स्कूल वाज वेरी नाइस, जवाहर नवोदय विद्यालय। आई जस्ट रियली वांट टू थैंक दैट स्कूल, क्योंकि उन्होंने मेरा बेस स्ट्रांग करा, जिसके वजह से दैट आई वुड हैव बीन एबल टू अचीव दिस सक्सेस। आपका जिस तरह से मैंने देखा, आपके वहाँ पर आप अभी 12वीं के स्टूडेंट भी हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो अब 12वीं में आप कितना एक्सपेक्ट कर रही हैं, कितना परसेंट आपका आएगा? आई थिंक मतलब मेरे एग्जाम्स जैसे हुए उसके अकॉर्डिंग तो 90% एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं। तो बिहार बोर्ड को भी टॉप करने वाली हैं आपकी? नहीं पता नहीं, परसों आ रहा रिजल्ट। अच्छा, अभी कुछ दिनों में भी, पिछले दिनों में जिस तरह से, मतलब पिछले सालों में आपने देखा बिहार के कई एजुकेशन के लेवल पर कई नाम खराब हुए, जैसे बिहार बोर्ड के टॉपर का एक इंटरव्यू वायरल हुआ और बिहार बोर्ड का एक नकल का और वहाँ का परसेंट गिरने का, तो काफ़ी बिहार एक तरह से बदनामी झेल रहा था। ऐसे दौर में आपने एक नया स्टेप लाया, यहाँ पर सामने अपनी उभर के आई, तो आप बिहार के जो सिनारियो है उसके बारे में बताइए कि क्या एजुकेशन के लेवल पर वहाँ पर क्या सच में इस तरह की स्थितियाँ हैं? मतलब मैं जब इस ईयर एग्ज़ाम दी तो मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ, जब एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत टाइट सिस्टम थी, मतलब कोई भी कॉपी करने का अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा था जी। तो मतलब जस्ट ऐसा एक दो ईयर हो गया, इसके वजह से बहुत लोग सोच लेते हैं कि हाँ ये बिहारी है तो ये ऐसा ही होगा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग दे शुड नॉट सेट अप देयर माइंड कि अगर कोई बंदा बिहारी है मतलब उस वो ऐसा ही होगा जैसे लास्ट 2 ईयर से टॉपर्स के साथ हुआ। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैंने देखा कि हम लोग जो छोटे शहरों के बच्चे होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने का, बिहार के लोग ज़्यादातर, बिहार, उत्तर प्रदेश, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनने का सपना देखते हैं, तो आपने बचपन में कब सोचा था कि आप डॉक्टर बनेंगी फर्स्ट टाइम? जब 6 में गई थी तब। क्यों सोचा आपने डॉक्टर बनने का, क्यों सोचा? मेरा बहुत मन होता था, मतलब जब देखती थी मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो जॉब है वो बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने वाला है, कि अगर हम किसी ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं, जिसके पेरेंट्स, जिसके रिलेटिव्स न जाने कितनी एक्सपेक्टेशन लेके हमारे पास आते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम उस पेशेंट को, उनके रिलेटिव्स को, उनकी जान बचा रहे हैं तो उससे बेस्ट जॉब कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको मेडिकल करने के बाद विदेश में, फॉरेन में जाकर, जिस तरह से डॉक्टर्स कई चले जाते हैं फॉरेन में, अच्छा वो मिला, अच्छा एनवायरनमेंट, तो आप अपने देश के लिए करना चाहेंगी या फॉरेन मूव करना चाहेंगी? आई वांट टू लिव इन इंडिया ऑलवेज ऑलवेज। और किस विधा की डॉक्टर बनना चाहती हैं आप, किस विधा में आप डॉक्टरी करके कौन सा आपको सबसे ज़्यादा लुभाता है, आपको कौन सा विधा है? ऐसा बहुत नहीं सोची, पर जब मैं मतलब कभी 9th या 10th में थी उस टाइम मैंने एक हॉटकी ऐसे एक बुक पढ़ी थी, तो उस टाइम मुझे कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा, दिल के डॉक्टर। हाँ।